और तिलका मुर्मू सलाम सलाम वीर बंटा को माँ आपे टेंडे ने और जोहार और गुडोक का नाम। अब इस वक्त मैं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में हूं और आदिवासी सिंगल अभियान के नेतृत्व में सरना कोड को लेकर हासा भाषा को लेकर यहां पे बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया गया है। लाखों की संख्या में लोग हैं, कल रात से ही हैं और सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर यानी कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, सारे राज्यों से लोग आए हैं। आदिवासी लोग, खासकर संथाली लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है और सिर्फ हमारे देश ही नहीं, हमारे जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहां से भी लोग आए हैं। ये खास बात है कि सिंगल अभियान वहां भी सरना कोड को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है और लोग एक पूरी बस भर के यहां पे आए हैं। मतलब समझ लीजिए 100 की संख्या में ये लोग हैं, यहां पे नेपाल के लोग हैं, हमारे मेहमान हैं, इनसे हम बात करेंगे। दादा, सबसे पहले तो आपको झारखंड का जोहार रहेगा। जोहार, मेरा नाम बाजुन मुर्मू। अच्छा अच्छा दादा, ये बताइए कि हासा भाषा और सरना कोड को लेके आप लोग यहाँ पे झारखंड आए हैं, कैसे आप लोगों को पता चला इस रैली के बारे और सरना कोड आप लोगों को क्यों चाहिए? देखिए, नेपाल में कैसे चला ये सरना अभियान, ये बहुत साल उसे भारत में अभियान चल रहा था, तो हम लोग टीवी चैनल में देख रहे थे। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग भी जुड़ गए, जुड़ गए हम लोग भी। सलखन मुर्मू का शब्द भाषा हम लोग जान गए कि वे सच और सही मार्ग में लाते हैं आदिवासी को। अभी तक भारत में भी आदिवासी को मान्यता नहीं दिया है, तो हम लोग एक पड़ोसी देश नेपाल ने हम लोग को क्या अधिकार देगा? इसीलिए इसमें हम जुड़े हुए और सही मार्ग निर्देशन सलखन मुर्मू दे रहा है। सलखन मुर्मू अलावा कोई भी संथाली नेता हमारा नेपाल के संथाल के बारे में नहीं बोल रहा है, इसलिए हम लोग संथाल के सलखन मुर्मू के भाषा में जो एक मार्ग निर्देशन देता है उसमें हम लोग सहमत हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ जुड़े हुए, 2013 साल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आज हासा भाषा का जितने मनाने उत्साह के साथ हम लोग 106 जना नेपाल से शामिल है। अच्छा, सरना कोड को नेपाल में, नेपाल के लोग भी चाहते हैं कि सरना कोड मिले? जी मेरा, हम लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? भारत में जब सरना कोड मान्यता होगा, जब तक नहीं होगा तब तक पड़ोसी देश में भी नहीं होगा। अभी तक हम लोग का जितना नौकरी चाकरी वाला है, भाई बहनों है, उन लोग का भी क्या बोलते हैं, चार पर्व में अभी तक छुट्टी नहीं दिया है, उन लोग को छुट्टी चाहिए। जब धर्म के मान्यता होगा तब ना छुट्टी देगा। हम लोग तो वहाँ भी पूछ रहे हैं, उन लोग का उद्गम देश भारत में है तो वहाँ किस किस समय में छुट्टी देता है? यहाँ तो मान्यता ही नहीं देता, कैसे छुट्टी देगा? तो हम लोग को क्या देगा? इसलिए हम लोग यहाँ जुड़े, यह मान्यता होगा तो उसी दिन होगा, जैसे कि हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सबका, जितना भी देश में उन लोग का बसिंदा है, एक ही तिथि में उन लोग का छुट्टी मनाया जाता है, अधिक मान्यता दिया। वैसे ही हम लोग भी भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के संदर्भ भी एक ही है, भाषा एक ही है, उनका कल्चर एक ही है, हम लोग का टाइटल एक ही है, सब कुछ एक ही, बोली भाषा सब मिलता है, तो हम लोग का क्यों नहीं चाहिए? यहाँ भारत में जो सारा धर्म वालों को ढोगे मान्यता का, उसी तिथि में हम लोग का भी, इसी आधार में हम लोग को भी मान्यता दिया जाएगा। कितना दिन लगा आपको यहाँ आने में? हम लोग 20 तारीख निकले हैं, 22 तारीख यहाँ पहुँचे, आज लगा के 3 दिन हुआ। क्या से आए हैं? क्या से आए? हम लोग ट्रेन से आए हैं, ट्रेन से नेपाल से बस में आए बॉर्डर तक, तो बॉर्डर जोगबनी से हम लोग ट्रेन में आए। तो बॉर्डर से पार होने मिल गया? बॉर्डर में तो कोई भी टोक टाक नहीं किया, हम लोग ऐसे ही आ गए, कोई भी नहीं टोका, टिकट नहीं काटा, वो भी हम लोग को कोई टोक टाक नहीं किया, क्योंकि हम लोग सरना कोड इसका मान्यता हम लोग जानते हैं। यहाँ भी भारत सरकार को आज का प्रोग्राम का सभी को जानकारी है, इसलिए शायद हम लोग को कोई नहीं टोका। अच्छा, भारत सरकार को क्या कहेंगे सरना कोड को लेके? भारत सरकार को क्या कहेंगे सरना कोड के लिए? भारत सरकार को सरना कोड देंगे तो मान्यता देंगे, तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। संथाल को जीवित रखने के एक क्या बोलेंगे, जिंदा देवता के रूप में हम लोग मानेंगे।
लेना होगा। आपका क्या नाम हुआ? प्रकाश दीप सोरेन। आप भी नेपाल से आए? नेपाल का हूँ। सरना कोड क्यों जरूरी है? सरना कोड ये आदिवासी के लिए एक बहुत बड़ा पहचान की लड़ाई है जो अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है, और इस लड़ाई में इस भारत का इस मुद्दा में हम लोग भी नेपाल के तरह से हम लोग भी उसके साथ सपोर्ट देकर चल रहे हैं। हमारा नेपाल में 60 संगठन इसका ब्रांच जो बना रखे हैं, हम लोग 60 ब्लॉक में बन के आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आप लोग लगभग 100 की संख्या में आए हैं, लोगों को कैसे एकजुट किया आप लोगों ने? ये तो देखिए, अब ये संगठन की बात है, जो इसे आगे भी हमारा जो ये संगठन का काम विभिन्न हिसाब से, हम लोग जो राजनीति हिसाब से, सामाजिक कार्यकर्ता का हिसाब से इससे आगे से जुड़े हुए थे, तो हम लोग को यही कमी थी कि जब भारत सरकार ये हमारा सरना धर्म कोड को जो स्वीकार करे, संवैधानिक अधिकार मिले, तभी हम लोगों को भी नेपाल में मिल सकता है। इसीलिए इस लड़ाई में हम लोग भी नेपाल की ओर से, उनको आशा है कि यहाँ मिल जाए तो नेपाल में आप लोगों को भी मिल जाएगा, और ये आवाज़ हम नेपाल के सदन में भी बुलंद करना चाहते हैं। आप पहली बार आए हैं भारत? पहले बार नहीं, हम बहुत बार आए हैं, इससे आगे भी लुगुबुरु घंटावाड़ी धर्मघाट। अच्छा, आज से 13 वर्ष पहले जो यहाँ का डॉक्टर समय सरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्र सचिव, मतलब भारत से रिश्ता है आपका झारखंड से? हाँ, इसी राजनीति हिसाब से होता है। बिल्कुल, और दादा उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है दादा? हमारा नाम, नमस्कार सर, हमारा नाम है संजय किस्कु, नेपाल से आए हैं। जो वहाँ बोले वही में हम भी वही दिखाए। आप पहली बार झारखंड आए? पहली बार यहाँ रांची आए हैं। अच्छा, तो यहाँ कैसे लग रहे हैं लोग, नेपाली नेपाल के लोग जैसे लग रहे हैं या झारखंड के लोग, कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं? दोनों एक ही जैसे लगते हैं, एक ही है सब हम लोग का। अच्छा, कब पहुँचे आप लोग यहाँ रांची? हम लोग यहाँ मंगल को शाम 5 बजे वहाँ ट्रेन में चढ़े। हाँ। यहाँ पर कल 8 बजे 8:30 बजे यहाँ पहुँचे। आप लोग रात भर मैदान में ही थे? रात में वही होते किसान में, वहाँ से अपनी इसमें आए गाड़ी में आए। फिर रैली में नेपाल से महिलाएं भी आई हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा सनिका मुर्मू। अच्छा, आपका? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को नेपाल में आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ है, इसीलिए तो आया है, नहीं मिला है। अच्छा, तो आप लोगों को क्या कहा जाता है नेपाल में? नेपाल में संथाल। अच्छा, संथाली तो आदिवासी ही है? आदिवासी संथाल। अच्छा, मतलब कोड वहाँ पर भी नहीं है आप लोग का? नहीं है, कोई कोड नहीं, नहीं है कोड नहीं कोई। तो कहीं कुछ फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो क्या लिखते हैं? हिंदू में लिखते हैं, क्या में लिखते हैं? नेपाली में। नेपाल में लिखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरना कोड क्यों जरूरी है? सरना कोड हमारा अधिकार के लिए। अधिकार के लिए? ये अधिकार क्यों चाहिए दीदी? अधिकार क्यों चाहिए, मतलब संथाल बसा के अधिकार दूसरा आदमी का उस क्या बोलता है? जैसे कि अगर सरना कोड आप लोगों का नेपाल में नहीं है तो क्या क्या आप लोगों को दिक्कतें होती है? सब इधर मिलता है ना, राशन कार्ड का किसका। हाँ, उधर कुछ भी नहीं मिलता है, राशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए इधर अमृतसर में। सालखन मुर्मू का कहना है कि सारे संथाली सारे आदिवासी एक साथ आ जाएंगे तो सरना कोड मिलेगा, तो आप लोग सालखन मुर्मू के इस बात को मानते हैं? अब इसीलिए तो आया, मानता है, मानते हैं। अच्छा, अभी सुनेगा। अच्छा, क्या बोलता है अभी, इसी के लिए आया है इधर। अच्छा, इतने दूर से आए हैं, आप पहली बार आए हैं भारत? हाँ, पहली बार आए हैं। अच्छा, नेपाल से पहली बार भारत आए हैं? पहली बार आया है, 2-3 दिन के रास्ता में। अच्छा, 2-3 दिन, कुछ मुश्किलें नहीं हुई? मुश्किल तो कुछ नहीं है, सब बढ़िया। वहाँ के जो नेपाल के जो आदिवासी है, थोड़ा बहुत इनको हिंदी आता है, तो उसी के जरिए हम आप तक इनकी बातों को पहुँचा रहे। और एक दीदी है जिनको थोड़ी हिंदी आती है, दीदी आइएगा। दीदी
हाँ उनको भी माला पहना कर स्वागत किया जाए। परमेश्वर माटी जी माछी परमना महान। क्या नाम है दीदी आपका? फुलड़ टुडू। अच्छा, सरनाकोट की मांग को लेके नेपाल से भारत आए हैं, झारखंड में आए हैं आप लोग। सरनाकोट क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, खुशी लगता है ये सरना धर्म के लिए, इसीलिए हम खुशी से यहाँ आया है। और वही हम कह रहे कि क्यों जरूरी है सरना को? सरना धर्म बहुत अच्छा लगता है, सरना धर्म जरूरी है, इसीलिए हम सरना धर्म में। अच्छा, आप लोग 106 या 10 लोग आए हैं, उनमें से कितनी महिलाएं आई हैं? दो दिन में। नहीं, कितनी महिलाएं आई हैं आप लोग? 106 जन आया है, महिला पुरुष दोनों मिला के। तो महिला लोग कितनी है? महिला नहीं गिनता है, 20-25 होंगे। नहीं, बड़ी नहीं हो, 50 ज्यादा होंगे। अच्छा, सालखन मुर्मू जी, जो ये आदिवासी थी सरनाकोट को लेके जो सब जगह जागरूकता फैला रहे हैं, सही लग रहा है आपको? हाँ, सही लग रहा है, इसीलिए हम आया है, मनाएंगे सरना धर्म के लिए, इसीलिए हम यहाँ तक आया सरनाकोट की मांग के लिए। झंडे के बगल में हम हैं, ये पूरी टीम नेपाल से आई है, लगभग 106 से 10 लोग यहाँ पर है, महिला पुरुष दोनों मिला के। 3 दिन के सफर के बाद आज ये भारत पहुँचे, झारखंड में रांची में इस मोराबादी मैदान में है। बाकी हम यहाँ पे हैं और लोग भी जो दूसरे राज्यों से आए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।